भाइयो, मैं नेक सिंह खोख नियर नाभा जिला पटियाला पंजाब का किसान हूँ। मैं आपको भाइयो आज एक नए रिटुएशन जो कमर्शियल क्रॉप का है जिसमें किसान को बड़ी आमदन होती है वो आपको सुझाने जा रहा हूँ। ये आलू की क्रॉप है, ये फरवरी में इसका फर्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद जो ये चिली की रेडी नर्सरी है, इसका एक वैरायटी हाइब्रिड है 33 नंबर, उसको हम इसमें सोइंग करते हैं। और इसका जो यील्ड है वो 200 क्विंटल पर एकड़ हरी मिर्च, और अगर लाल करना है तो 120 क्विंटल पर एकड़ लाल मिर्च का यील्ड आता है। और बड़ी बहुत जल्दी से ये पिकिंग देती है और 5 तुड़ाई में ये पूरी फिनिश हो जाती है। अगर इसको फरवरी में सोइंग करेंगे तो यह जुलाई के एंड में समाप्त हो जाएगी। आपको 15 आलू के बाद मिर्च के बाद 15 जुलाई को के नियर अबाउट आपने 1509 की नर्सरी सोइंग करनी है, और इस जुलाई के अंत में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपने उसको ट्रांसप्लांट करना है। वो 1509 भी तकरीबन 20-22 क्विंटल एकड़ का यील्ड दे जाती है। उसके बाद आप फिर आलू की क्रॉप ले सकते हैं। ये रोटेशन है जो किसान के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख की मिर्ची और 40,000 का धान राइस, और तकरीबन रेट के मुताबिक नियर अबाउट 1 लाख का जो आलू है वो पैदा हो जाता है। अगर समुचे को हम खर्चा देखें तो मिर्ची में ज़्यादा खर्चा लेबर का पड़ता है, तुड़ाई का जो 4 रुपये किलो होती है, उसका हिसाब लगा के हमने पूरा जोड़ लगाया है कि आपको नेट प्रॉफिट सारे में 50% खर्चा निकाल के तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया एकड़ का साल को आपको नेट इनकम हो सकती है। जो मेरा कृषि का फार्म है इसमें IARI दिल्ली का भी बड़ा योगदान रहा है। हम पिछले 14-15 साल से IARI पूसा से संपर्क किया, डॉक्टर AK सिंह से, उन्होंने ने हमको पेरेंट्स दिए थे RH10 के, और RH10 का जो हाइब्रिड सीड था वो कई साल हम बनाते रहे हैं और सेल करते रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट था प्योरिटी का वो बहुत अच्छा था। अब भी हम जो IARI किया किस्में हैं बासमती के यहाँ सभी को लगाते हैं, और हमारा संपर्क अभी भी IARI से लगातार बना रहता है।